जन फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का हिंदू फिल्म एकेडमी में। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि आप सारे सारे बहुत अच्छे होंगे और बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे एयरफोर्स के रिजल्ट का। हाँ, मैं उसी की बात कर रहा हूँ, एयरफोर्स एक्स एंड वाई ग्रुप का अग्निवीर का एग्ज़ाम जो आप लोग ने 24 जुलाई से लेकर के 31 जुलाई के बीच में दिया है। इंतजार मुझे भी है और इंतजार आप सबको है कि जल्द से जल्द रिजल्ट आए। तो आज की रात थोड़ी बेसब्री से गुजरेगी। मुझे भी पता है कि कल 10 तारीख को रिजल्ट आने वाला है, तो मैं आप लोग की स्थिति समझ सकता हूँ। मुझे भी बड़ी बेचैनी से इंतजार है कि इतना मेहनत हमने किया है, हमारे बच्चों ने इतना मेहनत किया है, तो उसका जो फल है वो सामने आने वाला है। तो बात करेंगे उसके ऊपर, चंद बातें करेंगे, लेकिन उससे पहले बता दूँ कि हिंदू डिफेंस एकेडमी पटना के अंदर है और बेहतरीन शिक्षा के साथ फिजिकल ट्रेनिंग प्लस फेज टू की तैयारियाँ, इसके अलावा ऑल डिफेंस सर्विस की तैयारी हम लोग करवाते हैं। तो अगर कोई हमारे पास आना चाहे तो पक्का हमसे संपर्क करें, हमारा नंबर वगैरह आपको मिल जाएगा। आप चाहें तो हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, हमें मैसेज कर सकते हैं, हम आपको संपर्क कर लेंगे। हमें से कैसी मदद चाहिए हम पक्का आपका साथ देंगे। और हो सके तो अगर इच्छा करें तो हमारे पेज को सब्सक्राइब करें और वीडियोज़ को शेयर करें अगर आपको अच्छा लगे तो। कोशिश हमारी यही रहती है कि हम लोग आपको जितना ज़्यादा हो सके अवेयर करें हर चीज़ों से। चलिए तो बात करते हैं हम लोग एयरफोर्स का जो एग्ज़ाम हुआ है अग्निवीर का, उसके रिजल्ट की। तो हाँ बच्चों, बड़ा क्लियर, कल 10 अगस्त मैंने पहले ही बताया था आप लोग को, अपनी लास्ट वीडियो मैंने बताया था कि 10 अगस्त को रिजल्ट आएगा। तो दिल थाम के बैठिए, आज की रात कल आपका रिजल्ट आएगा। बहुत से बच्चे इसमें सक्सेस पाएंगे, हो सकता है कुछ बच्चों को सक्सेस ना मिले, तो कुछ बच्चे बहुत खुश होंगे और कुछ बच्चों को मायूसी हाथ लगेगी। तो घबराना नहीं है, बिल्कुल बच्चों घबराना नहीं, दिल छोटा नहीं करना। आप हारे नहीं, हारता वो है जो मैदान छोड़ता है। कहते हैं मैदान जंग में गिरते हैं सहसवार ही, वो क्या गिरे जिसने कभी घोड़े की सवारी ना की। तो घोड़े की सवारी जो करेगा, दो ही बातें होंगी, या तो वो सीखेगा या तो वो गिरेगा, वो हारेगा नहीं। इसी तरह हर जिंदगी, मैं तो कहता हूँ कि जिंदगी एक तरह का जंग है, तो इस जंग में आप कभी भी हारोगे नहीं। आप हारोगे तब जब आप लड़ना छोड़ दोगे। तो लड़ना नहीं छोड़ना, हो सकता है सबको, देखिए एक बार में सबको सक्सेस नहीं मिलती, कहीं ना कहीं कमी हो सकता है, और इस बार तो समय भी कम मिला था। तो बिल्कुल नहीं घबराना, जिसको सक्सेस मिली वो आगे फेज टू की तैयारी में लग जाना, फिजिकल ट्रेनिंग पे और ग्रुप डिस्कशन सर्टी इन सब की तैयारी पर लग जाना। हमसे कोई मदद चाहिए तो हमारे पास संपर्क कर लेना। जिसका बाई चांस नहीं होता है तो वो तुरंत रुकना नहीं, तुरंत अगली बार तैयारी स्टार्ट, क्योंकि वैकेंसी आएगी फिर से, कुंभ का मेला तो है नहीं, 6 महीने बाद फिर वैकेंसी आ जाएगी, आपने दोबारा तैयार हो जाना है अपने आप को, रुकना बिल्कुल नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं कट ऑफ की है ना। तो जहाँ तक मेरा अनुमान है कि इस बार जो कट ऑफ होगा ग्रुप एक्स का, एक्स वाई दोनों के लिए बात करते हैं, तो जो एयरफोर्स ग्रुप एक्स का जो कट ऑफ होने वाला है, ये मेरा अनुमान है, तो ये 32-33% यानी कि 32-33 के बीच में रहेगा। और बात करें अगर हम एयरफोर्स वाई ग्रुप की, तो ये 32-35 के बीच रहने वाला है। तो जो भी बच्चा एक्स ग्रुप वाला 32-33 के बीच में आ रहा है, वो 99% श्योर है कि उसने आगे बढ़ जाना है, रिलैक्स रहे। और जो बच्चा एयरफोर्स वाई ग्रुप का है, उसने 32-35 में अपने आप को महसूस कर रहा है, तो वो भी अपने आप को रिलैक्स महसूस करता है कि वो भी आगे जा सकता है। बाकी देखते हैं, है ना, हमारी जो कैलकुलेशन है, हमारी जितनी भी एक्सपीरियंस है, वो एक्सपीरियंस तो यही जाहिर कर रही है कि ये जो रेशियो मैंने आपको बताया, इस बीच इसी रेशियो में सब कुछ रहने वाला है। तो आज की रात दिल थाम के बैठिए और प्रार्थना करिए सुपर वाले से। मेहनत आपने की है, इसमें कोई शक नहीं, मेहनत आपने की है और रिजल्ट होगा। नहीं होता है तो हम रुकेंगे नहीं, दोबारा लगेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करूंगा कोई बच्चा मायूस नहीं होगा। मिलेंगे दोबारा ऐसी दूसरी वीडियो में। मुझसे किसी प्रकार की मदद चाहिए तो मुझे कमेंट करें, मैं आपको अपना नंबर उसमें डाल दूंगा। आप वेबसाइट पे, आप गूगल पे कहीं भी जा सकते हो, आप सीधे हमारा नंबर मिल जाएगा, आप सीधे हिंदू डिफेंस एकेडमी टाइप करें। हमारी एकेडमी पटना में है, कोई पटना में है तो सीधे हमारे पास आ सकता है, कोई बाहर से है वो भी हमसे फ़ोन पे कॉन्टैक्ट कर सकता है।
हमसे जितनी हो सकी हम उसकी मदद करेंगे। इसी के साथ विदा लेना चाहूँगा, दोबारा मिलेंगे। जय हिंद।